हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, मेरी सुबह हुई है शाम को, कहने का मतलब ये है कि रात को तो मुझे नींद आनी दोबारा से हो गई है बंद। तो मैं अभी जस्ट सोकर उठाऊँ, और आज सारी मील मिस कर दी है मैंने, अपनी एक भी मील नहीं ली है। तो और मेरे जिम जाने का टाइम भी हो चुका है, पता नहीं कैसे आज वर्कआउट लगेगा, देखते हैं जिम में चल के। तो अभी पहले फटाफट से मैं शार ले लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ जिम के लिए। तो अभी शार वार लेकर रेडी हैं जिम चलने के लिए। तो अब पहले रख लेते हैं अपना सामान, क्योंकि मैंने बैग जो है वो अपना वॉश करवाया था। जस्ट अभी अभी जिम से आके बैठा हूँ, यही नहीं है, थोड़ा बहुत वो भी दे दे। आता ही बैड उठाओ, ये उठाओ उठाओ। तो उतार कर रख देगी ना, मेरे से पूछेगी कि तुम बैड उठाओगे या निकाल दो। उतार के साइड में चल, तेरी ऐसी तैसी जो होगा देखा जाएगा। अच्छा उठा रहा हूँ भैया, रेस्ट तो लेते कम से कम, अभी आया हूँ। हाँ हाथ के साथ। आज पता क्या हुआ, इधर आओ तुम्हें एक बात बताता हूँ। अरे रुको तो सही, इसके बाद कभी व्लॉग में नहीं आऊंगी। ज्यादा गुस्सा करवाऊं? अब मैं ये छोड़ो ऐसे, चल पागल सी। अरे सुनो तो, आज तक मैं गट्टी हो जाऊंगा क्या? एक तो तेरा गला वैसे बंद। आज सीन ये हुआ, पापा इसको स्कूल से लेने जाते हैं डेली, पता है ना। तो ये झूठ बोल स्टोरी बना रहा है। स्टोरी नहीं बना रहा, स्टोरी बना रही। कुछ बोलते आपको पता रहा है, झूठी है वो। तो स्कूल से लेने जाते हैं, वो हो गए टाइम, हो गए भूल देना। अभी दे रहा हूँ, एक एक थोड़ी देर में चढ़ा लेना। नहीं जरूरी है यार। हाँ बागे बोलो। तो वो हो गए लेट, इसे लेकर आने में। तो सीन क्या हुआ, कैसे रिएक्शन? तो सीन ये हुआ कि वो गए, फोन आया पापा का, कह रहे ऐसे ऐसे कि भाई यार वो पापा तुम डिशा बंदी लाए। तो पापा कह रहे अरे यार मैं तो भूल गया, मैं तो जा रहा हूँ। तो वही वो स्कूल पहुंचे लाल गुस्से में। पापा से कह रही आज घर जाके ना कितने भूल तुम्हें लेने, तुम्हें तुम्हें होश नहीं है लेने, कितने बजे आते हैं। यार ये बोला था कि होश नहीं है, गुस्से में थी पता नहीं क्या कर रही। होश नहीं है, मैंने कहा था कि ना दादी आपसे मैं कभी बात नहीं करूंगी, और ना मम्मी से करूंगी, मम्मी भी फोन करके बोल सकती थी। अभी तो ये तू यूं कह रही थी कि स्कूल में स्टोरी बना रहा हूँ। तबीयत खराब चल रही है, ये दोनों तबीयत खराब चल रही है। दोनों बिग बॉस देखते, ट्रेनिंग देते लेते हैं लड़ने की, सबसे लड़ने की ट्रेनिंग लेते हैं लोग। बिग बॉस से ट्रेनिंग ले रहे हैं लड़ने की, कैसे लड़ा जाता है। गाइस वड़ा पाव चला गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे को वड़ा पाव, ये कूली मेरा जिप बैग उठा के ला रहा है। थैंक यू मेरी विरासत मेरे नाम करने के लिए। दो तीन कबाड़ी वाले रोक ले, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम मेरी किताबें ले जाओ। भाई साहब लेके नहीं गए वो, पापा कहने लग गए कि किताबें तू कबाड़ी को दे रही है। वो कह रहे देख लेके नहीं जाएगा, उसको पता है भगवान तुम सारे कबाड़ी जानते हैं। और बैग पापा ही उठा के लाए आज तक। मेरे को 12th क्लास मतलब मेरे को ना 12th तक भी पापा लेके आए स्कूल से। पापा लेके ना आए, पापा ने तैयार तक कराया तुझे। हाँ पापा ने मेरे को ड्रेस पहनाई है, कॉलेज तक वो भी कॉफी कॉलेज तक भी। मतलब ये है कि मेरे को बस लेनी होती थी ना कॉलेज के लिए, तो छोड़ने जाते थे पापा। एक बार तो मैं फ्लाई ओवर से गिरा बड़ा तगड़ा, पापा के होश उड़ गए। सामने से गाड़ी आ रही, तीन गाड़ियों ने एकदम से ब्रेक मारे थे। तब पापा रोड पार करके फटाफट से भाग कर तुझे लगी तो नहीं। हुआ ये था कि जैसे बस से उतरते हैं ना तो खड़े खड़े रहते वेट करते हैं, तो थोड़ा सा ना चक्कर सा आ जाता, पैर नीचे जमा नहीं है वो, मैं डिवाइडर से नीचे। हाँ चला भी देते, चलो पहले यार चंदन निकाल दू, ये नहीं तो यही चढ़ा देगी। निकाल दो यार, निकालने किधर से है, लटक लटक के सारे काम करवा लेकर मेरे से। अपने सारे काम कराऊंगी, क्योंकि शादी के बाद आप दुख आपका सिर्फ आपका पति समझ सकता है। नहीं बाकी सब तो तेल लेने गए हैं, औजार औजार रख के सो गए, औजार रख रखे तुमने मेरे बेड गद्दा फाड़ दिया। मैं
मैंने थोड़ी, मैं क्या उसके नीचे घुस रहा हूँ? तुमने ऐसे खींचा है वो पूरी तरह। कर लूंगी इससे बढ़िया। और मैंने ये सब चीज फेंक दी है, मैंने थोड़ी फाड़ा है, ये तुमने फेंका है ये। एक तो काम करो ऊपर से। एक काम करते हैं, आपको 36 काम बढ़ा देते हैं। निकालनी है एक तो ये स्टैंड लगाओ, इनसे ही कराऊंगी सही। देखो कितने सारे इसके पास वो है लहंगे। लहंगे निकालो, झुको नीचे झुको, ये इसे तमीज से हटाओ, तमीज से। वो लहंगे नहीं है, पहली बात कौन सी निकालनी है? ये वाली? नीचे वाली कवर इसी के साथ है। हाँ इसके अंदर ही। ओए कैसे फेंक के तुमने, सही रखा है। फेंका है ज्यादा, वो करेगी ना बता दूंगा। अरे आईफोन है 15 प्रो मैक्स है, नहीं 15। ये चाची मारो, चाची मारो, रुक जाओ रुक जाओ। चाची मारो, ये रोज बेड में रख देती है। अरे भाई यार इतना स्पेस नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम होती है सामान एडजस्ट करने में। रखो इसको यार, रख लो, देख लो तुम्हारा बालक कैसे परेशान करके रहेगा। नीचे रखो, देख रही हो? नहीं करेगा ऐसे, देख लेना तुम, देख लेना ना करेगा, ना करेगा तो चीजें दिलानी बंद कर दूंगा उसे। मैं ऐसी आदत डाल, मैं ऐसी आदत चाकू तो निकालो। कहाँ है मुझे क्या पता, इसके नीचे अरे छोड़ो, है तो बैठ नहीं 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 इधर मैं सोती हूँ। उठा यार, यार ये काम करते, मेरी जान को 36 काम बढ़ा देते हैं। घंटा बढ़ा दिया, मैं रखो। हाय राम, बिछा ले अब, बैठ फिर बिछाओ। मैं नहीं बिछा सकती यार, मैं नहीं बिछा, मुझे ना आती यार। तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें मेरा दुख समझना पड़ेगा। दुख दुख को तो तेरे को वो हो रहा है ना, ट्रांसमीटर बम लगा के चलागा तेरे में कोई। देखो शादी के बाद ना जो हस्बैंड होता है उसको पापा का रोल भी निभाना पड़ता है, तो आप प्लीज आप मेरे पापा हो। मम्मी से तो पूछ ले एक बार। तुम मेरे पापा हो। मतलब मम्मी पापा दोनों का रोल निभाना पड़ता है क्योंकि ना, ये क्यों कहे कि तुम मेरे पापा हो? क्योंकि ना जब फेरे लेते ना तो पंडित जी बोलते हैं कि आपको अपनी बीवी का ध्यान रखना है, तो शादी के बाद आपको पति समझेगा। आदमी का ध्यान रखेगा, आदमी का ध्यान कौन रखेगा? आदमी का ध्यान आप सब रखेंगे और आपकी बीवी भी रखेगी। हाँ बीवी का तो सपना रखे। अरे भाई वो बात, पहली बात आई एम नॉट भाई। अरे भाई नहीं, भाई नहीं बोल, मैं बोलूं भाई। ये करो ना। नहीं आज मैं कुछ नहीं करूंगी यार, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है। हाल में जाए चंदर, मैं ना बिछा रहा, तुम बिछाओगे। आप लोगों के चक्कर में यार बिग बॉस चला जाएगा। देखो यार पापा हर चीज मानते हैं ना, पापा हमारे हर ड्रीम पूरी करते हैं। जैसे मेरे पापा ने मेरे हर एक ड्रीम पूरा किया, ऐसे तुम मेरे करोगे। मैं पापा पहले आपसे पापा क्या करो फिर सबके साथ। नहीं भाई मेरे पापा ने मेरे हर ड्रीम पूरा किया, तुम बारह पापा चंदर। मैं तो लंबी नींद सो जाऊंगा, मेरे सपने पूरे हो जाए वही बोल। शट अप, ये बेडशीट बिछाओ, छोड़ो ना कल बिछा लेंगे, निकाल दी ना कल सुबह बिछा लेना। आप क्या फायदा रात में बिछाते हैं? बेबी प्लीज यार। देखो मैं बताता हूँ गाइस, ये आज बिछाएगी इसको एक दिन में काउंट कर लेगी है। तो इससे बेटर है कि कल बिछाए, कल मेरा फास्ट है, कल बिछाना है ना, दो के मैं खुद बिछा लूंगा। मेरे को पता है फिर मैं ऑफिस से आऊंगी, पूरी रात तो मैं सोता नहीं हूँ यार, नींद नहीं आती पूरी रात। नहीं बेबी प्लीज यार, वेट करती रहती है को क्या करते हैं, मैं जैसे उठती हूँ ना फोन छुपा लेते हैं। झूठ, कितना बड़ा झूठ, कितना दांत ना जो बाहर आ रहा है इसको वापस अंदर कर दूंगा एक गुस्से में। ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइस, मैं सच बोलती हूँ हमेशा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, किसी से भी झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर मेरा पति मुझे झूठा समझे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। हमारा पिगी बीमार हो रहा है। अच्छा गाइस एक बात बताओ, उसकी तरह नहीं बोलती नोबिता की तरह? मैंने 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 डोरेमोन को बोल दिया है मेरे ना पेपर आने वाले हैं, वो मेरे को गैजेट दे देगा। ऐसी बोलती रहे
तो ये मेरी आवाज का मजाक उड़ाता है, पर मेरी आवाज को सब बोल रहे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो स्टार्टिंग में भी तो कहते थे घर के अंदर, कहते थे ये बोलती ऐसी बनावटी, मेरे का बोला ऐसी तुम्हारे सामने, मेरे का मेरे से तो लड़ा है, मेरे से तो नुका है नहीं। अरे तेरे को तुम्हारा दे रही। ओ हेलो भाई, मैं तू तड़ाक नहीं बोलती किसी से, कल को बेबी होंगे ना, मैं उनसे भी तू तड़ाक नहीं बोलूंगी। कमेंट खोल के पढ़ा है प्रैंक पे के तू तड़ाक बोल रही है। बोल, मेरे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जब ये बोलते हैं ना, बोला ना, बस ये पिगी 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 भी गायब रहता पूरे दिन, ये बड़ा पिगी भी गायब रहता, मेरे को अकेले रहना पड़ता है। ये बिछाओ बेडशीट। ये पापा कह रही है भाई, दिमाग से आउट हो चुकी है लड़िया। टीचर बिछवाई हो यार, बिछवाई हो। इंसान पे बिल्कुल भी तुम्हें तरस नहीं है। तो मैं भी तो बीमार हो रही, तुम्हें मेरे पे बिल्कुल तरस नहीं है। बीमार को तो तेरे को वो गुल्लूकोंडी लग रही है ना, वो गुल्लूकोंडी की उल्टी बेडशीट बिछा रहे हो सीधी ऐसे है ना, ऐसा नहीं है। जब तुझे बता नहीं चाह रहा मुझे, तो तू बिछा ले यार। नहीं बिछाऊंगी नहीं, इधर है, इधर आएगी। जब सब कुछ इसे खुद ही करना है तो चद्दर भी यही बिछा लेगी ना। नहीं बिछाओ यार, अब सही है। इतनी सी काट, एक जगह पे एक जगह पहले बिछाते हैं ताकि दूसरी जगह स्पेस बना रहे। ऐसा ज्यादा चद्दर बिछानी हो, उधर से जाओ ना, हट उधर ना। नहीं इतना छोटा नहीं करना, तू इसके ऊपर चढ़ जा, छोटा है तू ऊपर जा। ये चादर बड़ी है। ओ भाई इतना भी नहीं कर, छोटा करो तो छोटा मत करो, बड़ा करो तो बड़ा मत करो, करो तो करो क्या। वैसे मुझे चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही है, मुझे नींद आ रही है यार। चाची बात बताओ, आप चाची का इतना काम करते हो, चाची का दादा कुछ काम नहीं करते हैं भाई साहब। थैंक यू बेबी फॉर सपोर्टिंग मी, पहली बार मुझे सपोर्ट कर रही है ये लाइफ में। चाचा कैसे बिछाई आपने, सलवट भी आ रही है, सही सही बिछा सकते मेरे को, इतने अच्छे से बिछानी आती है। सिद्धर बिछाओ, बिछा के दिखाई एक बारी। यहाँ ये इसमें कौन करेगा, इसमें नोट लगता है, नोट देखो गाइस, मैं आपको चद्दर बिछानी सिखाता हूँ, देखो कैसे होती है। हाँ इसके अंदर ना पता है हमें कैसे करना होता है, ऐसे गद्दा उठाया अपना, ठीक है, इसके अंदर ये नोट बनाया, ये बन गया, ठीक है, इसको ऐसे बनाया और इसको ऐसे कर दिया। ये मुझे बहुत पहले से आता है, तुम अब सीख रहने दो। होटल इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी चद्दर बिछती है, पता है कभी इसे चद्दर बाहर नहीं आती, बिछ गई ना बढ़िया। तो यार एक काम, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। यार एक काम कर दो ना यार, तुम्हें भी छा दिया करो डेली, देख रहे हो। बड़े हरामी हो, चाय पिला दो अब तुम मुझे। यार मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरे दिमाग खराब हो रहा है। तकी कवर कौन बिछाएगा? नहीं वो नहीं बिछेंगे, मैं नहीं बिछाऊंगा। मैं तकी कवर कौन चढ़ाएगा, तकी कवर चढ़ाओ। खुद बिछा दे बाबू। नहीं यार चाय पिला दे। अच्छा पहले बता चावल कैसे बने कल? अच्छे बन रहे थे यार। मैं चाय नहीं बना सकती हूँ, पूछो क्यों? अच्छा क्योंकि ना यार, अगर मैं चाय बनाऊंगी तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसलिए नहीं बना देती हूँ यार। वैसे तो तुमने बोला था तुम मीठा छोड़ रहा हूँ, छोड़ रखा है मीठा, तो चाय में मीठा नहीं होता? नहीं मैं जिम करता हूँ सिर्फ नाम की। ओ, नाम की कह रही है तेरी, रुक जा, नाम की करूँ? नहीं हैं तो हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखनी तुम्हारी बॉडी, नहीं देख बॉडी, हमें नहीं देखनी, नहीं देख, नहीं हमें नहीं देखनी, देख देख जल्दी दिखा, जल्दी दिखा, नहीं मुझे देखनी नहीं है भाई। पागल है क्या, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, देख तो सही यार। नहीं गाइस मैं नहीं देखूंगी। चल ठीक है, चल भाग यहाँ, चल लो देख लो इनकी शक्ल बन जाएगी, नहीं तो मेरा डोला है। बढ़िया हो रही है इस टाइम, अन्नु कह रही है चाची तुम यार टंकी कवर चढ़ा लो, कवर चढ़ा लो यार। थैंक यू पापा।
थैंक यू पापा। शोकी बेटा अगले 24 घंटे तक पापा बोलो इनको। पापा अगले 24 घंटे तक जो भी बोलोगे मिलेगा। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही निभा रहे हो मेरी। यार वैसे तुम जब जिम वगैरह जाते हो ना मेरे घर पे मन नहीं लगता। तो पूरे दिन मार रहे थे जब। नहीं यार मेरा मन नहीं लगता। मेरे को पता है गालियां पड़ने लगी है घर में। क्यों? मम्मी को कहते सुबह उठेगा जाएगा इसको ड्रॉप करके आएगा ऑफिस छोड़ के आएगा फिर सो जाएगा। शाम को फोन आएगा हाँ ठीक है मुझे पिक कर लो मैं पिक करने के लिए चला जाएगा आएगा फिर उसके बाद इसकी शक्ल देखने में आती है। पूरे दिन ये कमरे में बंद रहता है इसकी शक्ल पूरे दिन देखने में नहीं आती। काला जादू कर रखा बीवी ने। हम ऐसे काम नहीं करते ना हमने ये काम सीखे तो हम सिर्फ अपने हर किसी को प्यार से पाना जानते हैं। अगर वो प्यार से भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं वो उसकी मर्जी है पर हम ये उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं। चलो गाइस चढ़ गया तकिए का कवर इसका भी चढ़ाओ। अब ये बना के लाएगी चाय और गाइस वो भी आपको दिखाएंगे कि वो भी दिखाएंगे कि चाची ने चाय बनाई है। यहाँ जब मेरी नई नई शादी हुई थी मैं इतनी दुखी हो गई थी। तो मैंने फिर भी कम कर दी चाय पीनी। मैं इतनी दुखी हो गई थी यार कम दिन में 20 चाय मैंने ऐसे दिन में मैंने अपने हाथों से 20 चाय बनाई है। मैं कह रही भगवान मतलब कितनी चाय पीते हैं लोग कितनी चाय पीते हैं इससे बढ़िया ना मैं चाय की टपरी खोल लेती ना तो मैंने बहुत कमाई में जाती। मैं भी चाय वाली हो जाती। जाओ बना के लाओ फटाफट सारा काम हो गया चलो। देखा मैंने अपना काम ना करा ही लिया ना इनसे 20 चाय में चाची आप कम से कम 150 रुपया तो कमा ही लेती। नहीं मैं ज्यादा कमा लेती। चलो बना के लाओ फटाफट यार अब जाओ। लो ये भी दिखाई देंगे चाची ने बनाई है नहीं बनाई। मेर को वो करा था ना इन्हें मेरे को दुखी अभी दुखी हो रही है इसकी यहाँ पे ना वो फंस गई है चुन्नी। मैं तो निकालू नहीं फट जाएगा ऐसे बैठ उठाओ हल्का सा उठाना बस मेरे नुकसान करोगे तुम। अरे लो ना इतना इतना काम भी ना होता। जाओ बना के लाओ लेके आ गई चाय। देखा ये हस्बैंड का पावर चाय बना दी इनने मेरे लिए। मैंने बना दी क्योंकि मैं सुबह तुम्हारे लिए नहीं बनाती। अब मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। और ये मेरे हाथ की चाय बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए रख दे। पापा को बच्चों के हाथ की चीजें पसंद आती है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड चाय में पापा आज के बाद ऐसा काम करूंगी जो किसी को भी पसंद आए। ठीक है तो गाइस नाउ आई एम कन्वर्टेड टू पापा। तो अब कल से आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा ये मेरे को पापा ही बोलेगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में। हमारे व्लॉग्स को प्यार दिखाओ गाइस बहुत सारा प्यार आ गया आने वाले टाइम में बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं। और एक चीज़ बतानी है वो आपको अभी नहीं बताऊँगा बाद में बताऊँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को लाइक करना वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम जय जगन्नाथ जय हिंद।